अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जी तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की, तो अब हम चलते हैं जी सेहत और बीमारी की तरफ, के जो के हमारे सब्जेक्ट का जो है वो टॉपिक है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, जो के मौजू है तिब का। ठीक है, और कौन बंदा नहीं चाहता इस मॉडर्न दौर में कि वो सेहतमंद रहे, ताकि वो अपने सारे काम सही से कर सके। ठीक है, तो हम अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अटेनिंग एंड मेंटेनिंग ऑप्टिमम हेल्थ इज़ अ मेजर प्री ऑक्यूपेशन ऑफ मॉडर्न टाइम्स। वी लिव इन अ टाइम वेयर देयर इज अनरिलेंटिंग इंटरेस्ट इन एंड अवेयरनेस ऑफ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। के यानी कि हम उस दौर में रह रहे हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है आवाम को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ की। Advice on changes to our diet, the use of supplements, exotic herbs, taking more exercise, stress relieving measures and much more assail us continually, especially in the print and electronic media. Health itself, however, is not an easy concept to define. यानी कि सेहत कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम आसानी से define कर सकें। तो health की basically definition क्या है? हेल्थ की वैसे जो हमारे यहाँ तिब के अंदर, मेडिसिन के अंदर, पूरे ईस्टर्न मेडिसिन सिस्टम के अंदर जो डेफिनेशन है वो ये है कि एक इंसान जब अपने सारे फंक्शंस जो है वो सही परफॉर्म कर रहा हो, ठीक है, उसकी बॉडी जो है अपने तमाम, उसके तमाम ऑर्गन्स जो हैं उस बॉडी के, ठीक है, फिज़िकली और स्पिरिचुअली, ठीक है, दोनों एस्पेक्ट्स को देखते हैं हम हेल्थ में। अगर फिज़िकली ठीक है बट स्पिरिचुअली वीक है तो भी वो हेल्दी स्टेट में नहीं हो हम उसको कंसीडर करते। तो हेल्थ जो है वो एक मुकम्मल, यानी कि आप फिज़िकली भी ठीक हों, आपके तमाम ऑर्गन सही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हों, आप मेंटली भी ठीक हों, स्पिरिचुअली भी ठीक हों, तो आप हेल्थ में हैं। सो इधर क्या डेफिनेशन है वो हम देखते हैं। हेल्थ जो है is generally described in terms of either how we feel or how capable we are of functioning. It does not merely mean not being sick and is more than the absence of illness or unwanted physical symptom. A person would be considered healthy if he is able to carry out his general physical, mental, occupational and social functions to his complete satisfaction. In line with this is the World Health Organization definition, के जो आलमी अदारा सेहत का है उसने जो डेफिनेशन बताई है वो ये है कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इनफर्मिटी। हाउएवर हेल्थ यूजुअली डिनोट्स द एब्सेंस ऑफ डिजीज अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी हेल्थ इज। अब ये डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है के फ्रीडम फ्रॉम बॉडिली और मेंटल डिजीजेज और डिके, स्टेट ऑफ बॉडिली और ऑर्गेनिक साउंडनेस, द एब्सेंस ऑफ डिजीज। इन द तिब कंटेक्स्ट हेल्थ इज सीन एज अ बैलेंस बिटवीन द फोर ह्यूमर्स इन रिलेशन टू द टेम्परमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू तिब देयरफॉर हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हार्मनी रिजल्टिंग फ्रॉम द मोस्ट फेवरेबल बैलेंस ऑफ ह्यूमर्स इन अ पर्सन। यानी कि जो तिब की डेफिनेशन है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन के साथ बिल्कुल मिलती जुलती है। अब हम आते हैं जी आगे। तिब बिलीव दैट गुड हेल्थ इज मोर देन द एब्सेंस ऑफ साइंस एंड सिम्टम। इवन विदाउट ट्रबलसम सिम्टम अ पर्सन एबिलिटी टू रेजिस्ट इलनेस may be low and his or her essential vitality may be seriously depressed. In tib, health is present when our body, emotions, mind and spirit maintain a correct and a sound balance between qualities, temperament, structure and functions. A disease is contrary to the above. It is an abnormal condition. ठीक है, अब ये डिजीज की बात हो रही, ऊपर तुमने हेल्थ की बात की है। ठीक है, कि जब बंदा फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल, सोशल हर लिहाज से ठीक हो तो वो हेल्दी है। ठीक है, और अब डिज़ीज़ की बात हो रही है, सेम उसका ऑपोजिट कर लें कि जब बंदा जो है वो फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली ठीक है, स्पिरिचुअली, सोशली किसी भी लिहाज से वो इल है, ठीक है, किसी भी लिहाज से उसको प्रॉब्लम है, तो वो डिज़ीज़ स्टेट में है।
ठीक है, कन्वर्सली कन्वेंशनल वेस्टर्न मेडिसिन डिफाइन डिजीज एज, ठीक है, हमने डिजीज़ की डेफिनेशन क्या बताई कि इट कैन बी एन एक्सप्रेशन ऑफ अ टेम्परामेंटल इम्बैलेंस, ह्यूमरल इम्बैलेंस और अ डिसऑर्डर ऑफ टिश्यू स्ट्रक्चर। जबकि वेस्टर्न मेडिसिन या मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथिक मेडिसिन डिजीज़ को ऐसे डिफाइन करते हैं जी कि अ डिसऑर्डर विद अ स्पेसिफिक कॉज एंड रिकॉग्नाइजेबल साइंस एंड सिम्टम्स, एनी बॉडिली अबनॉर्मेलिटी और फेलियर टू फंक्शन प्रॉपरली एक्सेप्ट दैट रिजल्टिंग डायरेक्टली फ्रॉम फिजिकल इंजरी। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि वो उसको हम बीमारी कहते हैं जिस कोई स्पेसिफिक कॉज हो और उसके जो साइंस हैं वो रिकॉग्नाइजेबल हों, यानी कि अब कुछ भी बहुत कुछ नहीं, बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जिनके साइंस रिकॉग्नाइजेबल नहीं हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल बीमारियां हैं, इमोशनल बीमारियां हैं, साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं, ठीक है, जिनका साइंस जो है ना मुश्किल से मिलते हैं बॉडी में या होते ही नहीं हैं, ठीक है, तो उसको फिर ये डिजीज़ नहीं मानते, ठीक है, एनी बॉडली अबनॉर्मेलिटी और फेलियर टू फंक्शन प्रॉपरली, ठीक है। अब इस डेफिनेशन के मुताबिक क्या बन रहा है जी के रिड्यूसेस द होम, ये जो डेफिनेशन है ये क्या कर रही है कि रिड्यूसेस द ह्यूमन बॉडी टू अ सीरीज ऑफ मैकेनिस्टिक कॉजेज एंड इफेक्ट, अ कंसिक्वेंस ऑफ दिस इज दैट पेशेंट्स आर रिगार्डेड एज कलेक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड सिम्टम नॉट एज होलिस्टिक बीइंग, यानी कि ये हर पार्ट को, बॉडी के पार्ट को अलहदा अलहदा देख रहे हैं जबकि बॉडी पूरी एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, होलिस्टिकली है, एक पार्ट खराब होगा तो पूरी बॉडी पे उसका इफेक्ट होगा, जबकि वेस्टर्न मेडिसिन इस चीज़ को नहीं देख रही, वो हर यानी कि एक मशीन की तरह उसके बॉडी पार्ट्स को वो देख रही है सेपरेट सेपरेट, ठीक है, जिस पार्ट का इशू है जी, ठीक है, जस्ट उसको देखना है, अब उस पार्ट के इशू की वजह से आगे जो इशू हो रहे हैं उनको नहीं देखना जी। वेस्टर्न मेडिसिन इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद द फिजिकल डायमेंशन ऑफ द पर्सन, दिस कंट्रास्ट विद द कम्प्लीमेंट्री सिस्टम, ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो पूरा वो जो है ना आ गया है जी इख्तलाफ़ दोनों सिस्टम्स का, कम्प्लीमेंट्री सिस्टम जिसमें हमने देखा चार हिस्सों में उसको डिवाइड कर लें, ठीक है, और वो चार हमने कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन वाले लेक्चर में देखे थे कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, ठीक है, दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, विच प्लेसेस नो बैरियर बिटवीन फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। वेस्टर्न मेडिसिन लुक्स फॉर अ सिंगल कॉज फॉर अ सिंगल डिजीज़, ठीक है, जबकि कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन और उसमें कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन में स्पेशली तिब, इसमें क्या होता है कि इफ़ नॉट ऑल डिजीजेज एज रिंग फ्रॉम मल्टीपल कॉज, दीज इंक्लूड अक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स और ह्यूमरल इम्बेलेंसेज फ्रॉम एन इम्प्रूडेंट लाइफ स्टाइल, एक्सपोजर टू टॉक्सिन एंड पोअर पर्सनल हैबिट्स, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे हिस्ट्री ऑफ तिब है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ, हिस्ट्री को डिस्कस करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और इसका कोई हमें फ़ायदा नहीं है, हम जस्ट सीधा आगे मेन एग्जियम्स ऑफ तिब पे जाएंगे कि तिब में जो मेन मेन ब्रांचेज हैं वो कौन सी हैं, ठीक है, उसमें फाइसिस है, टेम्परामेंट है, ह्यूमर्स है, पैथोलॉजी है, ठीक है, लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, ये सारे हैं, तो इनको हम वन बाई वन डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।